हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित परन। डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन पढ़े थे, उसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन हो गया और क्या बोलते हैं ऑक्टल ऑपरेशन हो गया और हेक्साडेसिमल ऑपरेशन किया था। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट बेस ऑपरेशन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे रिप्रेजेंट मतलब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इस पहले इसका पहले जो स्टार्टिंग है वो हमारा मेन टॉपिक है। इसमें अंदर साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी तक हमने जो भी नंबर लिए, हमने बोला 5 है, 6 है, जो भी था नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया, बट हमने किसी के आगे साइन रिप्रेजेंट नहीं किया। बिकॉज क्या होता है, जब हम नंबर लेते हैं तो हो सकता है कि वो +6 भी हो सकता है और वो हो सकता है -6 भी हो सकता है। ठीक है, तो जो साइन होता है इसका रिप्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसका साइन रिप्रेजेंट नहीं किया तो एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम एलजेब्रा लेते हैं हमें कई बार साइन को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, साइन नंबर मतलब +6 और -6 को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो साइन नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, there are two ways to represent। ठीक है, फर्स्ट है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है RS कॉम्प्लीमेंट। तो ये दो टेक्निक हैं जिससे हम नंबर के साइन असाइन करते हैं। ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हम इसका इस्तेमाल RS कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे कैसे होता है मैं आपको भी इसको आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, RS कॉम्प्लीमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। आपको इसी नंबर को नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या नेगेटिव फॉर्म में ऐड करना है तो हम RS कॉम्प्लीमेंट का सॉल्विंग के लिए पर्पस के लिए, अगर आपको किसी -2 को बाइनरी फॉर्म में एडिशन करना है, जो भी करना है उसके लिए हम RS कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल बहुत करते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फिर हम RS कॉम्प्लीमेंट भी आएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो आपकी MSB होती है, MSB होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब सबसे लेफ्ट साइड में जो बिट आ रही है, MSB रिप्रेजेंट द साइन। MSB बिट क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारा साइन। ठीक है, और रिमेनिंग बिट्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या, देखो नाम क्या है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। MSB क्या रिप्रेजेंट करती है, साइन, बाकी बिट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास एक 4-bit का नंबर है, मेरे पास 4-bit है, क्या है 4-bit है, तो 4-bit लिख लेते हैं, 4-bit 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4-bit में जो पहला आपकी बिट होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपका साइन। 4-bit में जो पहली MSB है, जो MSB है सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली, क्या रिप्रेजेंट करेगी, साइन, और बाकी जो बिट है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब साइन में क्या होता है देखते हैं, अगर आपका प्लस है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से, और अगर माइनस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 से। ठीक है ना, प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मुझे रिप्रेजेंट करना है प्लस फाइव, तो पहले लिखूंगा, पहले की 3 तो क्या दिखाएंगे मैग्नीट्यूड, 5, 105, और पहले वाली क्या है +5, तो पहले उसमें क्या आ जाएगा 0, तो ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो +5 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन 4-bit में कितना हो गया, 1001 हो गया, 010 हो गया। ऐसे अगर आपको -5 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले की 3 डिजिट तो माइनस ही बताएंगी, वो साइन मैग्नीट्यूड बताएंगी, बादल क्या बताएगी, आपका साइन, साइन कितना, माइनस मतलब -5, तो ये 1 आ जाएगा, तो -5 हो गया आपका 1101। ठीक है,
तो ऐसे ही कर करके हम कैसे भी रिप्रेजेंट को नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते। तो जैसे ये चार बिट है, तो चार बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस सेवन से लेके प्लस सेवन तक का नंबर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास चार बिट स्पेस है तो हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में माइनस सेवन से सेवन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार बिट में। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। जैसे अगर आपके पास n बिट है, अभी तो मेरे पास चार बिट है, 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास 8 बिट है, मान लेते मेरे पास n बिट है, तो n बिट स्पेस में मैं कितने कितने नंबर को साइन रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उसका फॉर्मूला है माइनस 2 की पावर n माइनस 1 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे एक्चुअली n माइनस 1 होगा, है n माइनस 1 n माइनस 1, अब ठीक है फॉर्मूला, ठीक है। 2 की पावर n माइनस 1 से n माइनस 1 से 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 से लेके 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 तक, ठीक है। ये यहां से यहां तक का प्लस हो गया, ये एरो है यहां से लेके यहां तक का प्लस इतने तक का। जैसे देखो अगर हम 4 बिट की बात करें, 4 बिट में कितना होगा देखते हैं, 4 बिट पे रिप्रेजेंट करें इसको। 4 डाल दे हम तो कितना आया देखो, 2 की पावर 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 और 3 कितना 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया प्लस 7। तो प्लस माइनस 7 से प्लस 7, माइनस 7 से प्लस 7 तक का हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 8 बिट है, ऐसे अगर हमारे पास 8 बिट है, 8 बिट में कितना होगा देखो, यहाँ लिखते हैं माइनस 2 की पावर 7 हो जाएगा, माइनस 1 से लेके 2 की पावर 7 माइनस 1, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाता है 128 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 127 से लेके प्लस 127 तक का इसका आंसर हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह हम कितने भी बिट को लिए जो ये ले सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 8 बिट में आप कितने साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप बोलोगे माइनस 27 से प्लस 27 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको बिट असाइन किए जाएंगे और आपसे बोलेगा इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये था साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है माइनस 12, तो वो 12 जो है वो 4 बिट वाले में नहीं आ सकता, बिकॉज 4 बिट वाले की लिमिट कहां तक का है, माइनस 7 से लेके प्लस 7। तो फिर आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बिट को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, जैसा अगर मेरे पास 4 बिट है, 4 बिट में अगर मुझे दिखाना है माइनस 5 को, तो मैं करूंगा पहले 2 3 4, पहले बिट मैग्नीट्यूड, बाकी बिट में वो पहली बिट साइन माइनस, बाकी बिट क्या बताएंगे तुम्हारा मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस 5 हो गया। अगर मेरे पास 8 बिट है, 8 बिट में क्या होगा देखो, 8 बिट में क्या होगा, माइनस 5 दिखाना है, कैसे होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहली बिट क्या दिखाएगी साइन, और फिर मैग्नीट्यूड बाकी बिट क्या दिखाएंगे आपका मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5, तो 5 हो गया, बाकी तो थोड़ा जाएंगे 0, ठीक है। तो ये माइनस 5 हो गया, ये 1 आपका साइन हो गया, और यहाँ पे देखो रिप्रेजेंटेशन दोनों में एक्चुअली दोनों वही है, लेकिन यहाँ मैंने 8 बिट का इस्तेमाल किया है तो इतनी स्पेस हुई, यहाँ मैंने 5 बिट, यहाँ मैंने 4 बिट का इस्तेमाल किया है तो इतना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम चाहे तो 12 बिट में भी इसको ये दिखा सकते हैं, और बहुत सारे फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हम क्या करते हैं, प्लस से लेके माइनस नंबर्स को, प्लस माइनस मतलब हम किसी नंबर को उसके साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एन बिट में कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा दिया। इसमें क्वेश्चन ये बनता है जो एग्जाम बहुत बहुत बार आया हुआ है कि 8 बिट नंबर में हम कितने साइन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने आपको लिखा दिया माइनस 127 से लेकर 27 तक का। और एक बोल सकता है कि 4 बिट में या फिर 8 बिट में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, या इतने माइनस 32 को आपको 8 बिट में रिप्रेजेंट करना,
करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। पहला जो नंबर जो MSB होगी वो आपका साइन रिप्रेजेंट करेगी, वेदर इट इज प्लस और माइनस, वो मोस्टली प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आप अगर प्लस है तो आप उसको जीरो मान लोगे, माइनस है तो आप उसको वन मान लोगे, और बाकी रिमेनिंग क्या दिखाएगा आपका उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं RS कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ते हैं हम? RS कॉम्प्लीमेंट। RS कॉम्प्लीमेंट ठीक है। RS कॉम्प्लीमेंट हम किस किस फॉर्म में निकालते हैं? पहले हम निकालते हैं बाइनरी का भी निकालते हैं, बाइनरी नंबर का। बाई नंबर क्या होता है? जिनका बेस क्या होता है? टू। तो इनका निकलता है बेस टू है, मतलब आर की वैल्यू टू है, तो एक निकलता है आर। यहां पे दो कौन पढ़े? एक पढ़ेंगे हम आर एस कॉम्प्लीमेंट और एक पढ़ते हम आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, दोनों पढ़ते हैं। तो आर क्या होता है? रेडिक्स होता है, रेडिक्स मतलब बेस, ठीक है ना। तो बेस कितना है इसका? टू। तो टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट, तो बेस टू टू है, टू का हमारा निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बाइनरी नंबर का क्या निकलता है? बाइनरी नंबर का निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट्स एंड टू कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरा ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? एट। तो इसका कितना हो गया? आर एस हो गया एट, आठ, एट माइनस वन कितना हो गया? सेवन। तो दो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एक निकलेगा सेवन कॉम्प्लीमेंट और एक निकलेगा एट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा थर्ड थर्ड हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? टेन होता है। तो डेसिमल नंबर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 10 माइनस वन नाइन कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लास्ट फोर्थ हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर इसका बेस कितना होता है? 16। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट कितना? आर की वैल्यू 6 हो गई, 16 हो गई, आर माइनस वन कितना हो गया? 15। तो उसका हम निकालेंगे 15 कॉम्प्लीमेंट और उसको बोलते हैं FS कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। FS कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हम निकालेंगे 16 कॉम्प्लीमेंट। तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट को हमें पढ़ना होता है एग्जाम में, मोस्टली बहुत आते हैं ये, ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और कैसे कैसे इसको हमें सॉल्व करना है ये हम देखिए देखेंगे, लेकिन आपको बताना चाहिए कि बाइनरी का सिर्फ वंस और टूस निकलेगा, ऑक्टल का सिर्फ सेवन और एट निकलेगा, डेसिमल का नाइन्थ और टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकलता है, और हेक्साडेसिमल का 15th कॉम्प्लीमेंट ऑफ FS कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अच्छा इसको आप लिख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी ट्रिक है, इसको ट्रिक को हमें याद रखना है, ये सभी के लिए ट्रिक है। किसी भी चीज का करना पहले आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, हमें दो कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, एक आर माइनस वन और एक आर एस कॉम्प्लीमेंट। तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकालते हैं? आर कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे कि सारे डिजिट को, ऑल डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हाईएस्ट डिजिट वैल्यू, ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर डिजिट ऑफ द नंबर सिस्टम ऑफ द नंबर, खाली लिखो ऑफ द हाईएस्ट नंबर लिख लो, ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट डिजिट, ठीक है। आप क्या करना है, नंबर्स के हर एक डिजिट को जो कि हाईएस्ट डिजिट्स है उससे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आर एस कॉम्प्लीमेंट निकाल के।
और R आर एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? आर एस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, अगर आपके पास R1 R माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आ चुका है तो आपको यह करना है R माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में प्लस वन ऐड करना है और कुछ नहीं। हमें क्या मिल जाएगा? आर एस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है हर किसी में यही अप्लाई करना है, ठीक है ना, चाहे बाइनरी हो, ऑक्टल हो, वो हो वो हो, ठीक है। तो क्या करना है, हम R माइनस वन कॉम्प्लीमेंट ऑल डिजिट ऑफ द नंबर सेपरेटेड फ्रॉम द हाईएस्ट डिजिट नंबर, ठीक है। और आर एस कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। अगर आपको आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें ऐड करो तो आपको क्या मिल जाएगा? आर एस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है। तो बहुत आसान है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूस कॉम्प्लीमेंट्स। वंस कॉम्प्लीमेंट्स और जो टू कॉम्प्लीमेंट्स है वो सिर्फ बाइनरी नंबर का ही निकलेगा। मेरे पहले इसको रब कर रहा हूं, है वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये R माइनस वन हो गया, ये R हो गया, ठीक है। अच्छा, बाइनरी नंबर ले लेते कोई एक, मैंने नंबर ले लिया मैंने 101101, ठीक है। मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दो मेथड है, एक तो क्या है कॉम्प्लीमेंट पूरे सबको जीरो को रिप्लेस कर लो वन से, वन को रिप्लेस कर लो जीरो से, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कितना आएगा 0 1 0 0 1 0, ये डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकालना है तो आप कर लो पूरा कॉम्प्लीमेंट ले लो, वन की जगह जीरो कर लो, जीरो जगह वन कर लो, तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा मेथड क्या है जो हमने कन्वेंशनली पढ़ा है इससे पहले, जो मैंने आपको लिखाया था आर एस माइनस वाला, वो मेथड लगाते हैं। हमें करना है हर डिजिट को हर डिजिट को हायर डिजिट से करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाईएस्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे वन है, तो हर डिजिट को वन से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 0 1 1 0 1, सबको वन से सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 1 1 1 1 और 1 लिख लिया, सबको वन से सब्ट्रैक्ट कर लो। ये कन्वेंशनल है, ये जो मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड है, सही मायने में ये मेथड इस्तेमाल में लाया जाता है, बट ये शॉर्टकट हो गया, आप रेगुलर को लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 0 1 0, आंसर क्या आएगा आपका? सेम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी नंबर सिस्टम को, बाइनरी नंबर का। अब मुझे निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, अगर आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है उसमें वन ऐड कर दो, तो क्या पड़ता है इसमें वन ऐड कर लेते हैं। तो 0 1 0 0 1 0 इसमें ऐड कर लेते हैं वन, कितना आंसर आएगा 0 प्लस 1 1, फिर 1 0 0 1 0, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो वंस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें क्या करना है, सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड कर देना है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लो, मेरा पत्र है उसको, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे किसी भी, आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है अगर आप उसको बाइनरी में चेंज करके अगर आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो एक नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, अगर मेरे पास प्लस 7 है, ये मेरे पास क्या है, प्लस 7 है, तो प्लस 7 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, प्लस 7 को मैंने बाइनरी में चेंज किया, ठीक है, और फिर मैंने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आपकी आएगी, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी माइनस 7 को, वो रिप्रेजेंट करेगी माइनस 7 को। तो आप बोल सकते हो टूस कॉम्प्लीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो आपके पास पॉजिटिव नंबर है, आप इसका उसको बाइनरी में चेंज करने के बाद, अगर आप उसको बाइनरी में चेंज करने के बाद अगर आप उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो उसका क्या बन जाएगा, हमें उसका माइनस फॉर्म मिल जाएगा। इसका उल्टा भी यह है, अगर आपके पास माइनस नंबर है,
माइनस नंबर आपके पास है, अगर आप उस माइनस नंबर को बाइनरी में करोगे, चेंज करोगे, और बाइनरी के चेंज करने के बाद आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये लोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इसको देख सकते हो, ये भी ठीक ट्रिक ठीक है हमारी। और देखो उसका उल्टा भी प्रोसेस ठीक है, अगर आपके पास माइनस सेवन था, आपने इसको बाइनरी में लिखा, बाइनरी में कुछ भी लिखा है, अगर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लोगे बाइनरी फॉर्म में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी प्लस। मतलब जब अगर आप इसका उल्टा जाओगे, अगर आप इसका ले लोगे बाइनरी चेंज करके टूज ले लोगे, तो आपको नॉर्मल नंबर मार्क क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आया ना? तो प्लस सेवन को या प्लस कोई भी नंबर मेरे पास है, अगर आप किसी, अभी मैं इसको थोड़े बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, आपके पास कोई प्लस डिजिट है, ठीक है, आपको उसको नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है यहाँ पे सॉल्विंग पर्पज के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसको बाइनरी में लिख के, ठीक है, उसका हम क्या ले लेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब हम उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखते हैं, मेरे पास नंबर है प्लस सेवन, मेरे पास नंबर क्या है प्लस सेवन, अब मुझे माइनस सेवन को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, मेरे पास नंबर है प्लस सेवन, मुझे माइनस सेवन को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस सेवन को ले लूंगा, प्लस सेवन का रिप्रेजेंट ये हो गया, चार डिजिट ले लेते हैं इसका, जीरो वन 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 हो गया, जीरो वन ट्रिपल वन हो गया। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बताओ, वन जीरो 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 आएगा। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, प्लस वन कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, माइनस सेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी माइनस नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले उसका प्लस फॉर्म लिखेंगे, उसका उसको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो उसका माइनस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर लेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 46, तो 46 के लिए मान लिया मैंने 8 बिट का इस्तेमाल किया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मुझे माइनस 46 को रिप्रेजेंट करना है, माइनस 46 को मुझे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैंने 8 डिजिट का नंबर लिया, मैंने 8 डिजिट को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कैसे करूँगा, पहले मैं प्लस 46 को लिखूंगा, क्या होता है, ठीक है, प्लस 46 लिखते हैं 8 बिट में, क्या होता है, 1 2 4 8 16 32 64 128, से लिखा ना मैंने। ठीक है, तो 46 करना है, 46 का तुम कैसे बन जाएगा, 32 प्लस 8 40 प्लस ये दो 6 बन गए। ठीक है, ये और ये, बाकी सारे क्या हो गए हमारे, 0 हो गए। ठीक हो गया, तो जो ये डिजिट आपको मिला वो हो गया प्लस 46, प्लस 46 कितना हो गया हमारा, देखो तो 0 0 1 0 0 1 1 0 हो गया, ये हो गया हमारा प्लस 46। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस 46, तो सिंपल क्या करना है, पहला स्टेप क्या है इसका, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकाल लेते हैं, सबको चेंज कर लेना डिजिट को, तो कितना जाएगा, 1 1 0 1 0 0 0 1 हो गया, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, इसमें प्लस वन ऐड कर दो, तो प्लस वन ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 0 कैरी यहां बच गया, तो 1 + 0 1 हो गया, 1 0 0 1 0 1 1, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपका आया है ये बाइनरी फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 46 को। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में क्या होगा, आपको बोलेगा माइनस 48 को रिप्रेजेंट करो, माइनस 46 को रिप्रेजेंट करो, माइनस 25 को रिप्रेजेंट करो, सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना कितने बिट में आंसर आपको गिवन है, मोस्टली या तो 4 बिट होगा या मोस्टली 8 बिट होगा, बड़ा नंबर होगा तो 8 बिट होगा। ठीक है, 4 बिट 8 बिट के एक नंबर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर मेरे पास 8 बिट का नंबर है, मान लो मेरे पास माइनस 40, मुझे माइनस 46 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप प्लस 46 को 8 डिजिट में लिख लोगे, जो भी आपका नंबर सिस्टम हिसाब से बन रहा है। ठीक है, फिर आप क्या निकाल लो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो जो आपने टूज कॉम्प्लीमेंट में जो आपका रिजल्ट आया होगा वो माइनस 46 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, आपके ऑप्शन में जो होगा आप उसको मार्क कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा, अभी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट्स और टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन था, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ
नंबर इज 110010, इज 110010। फाइंड द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, फाइंड द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसी कोई नंबर आपके पास, मान लो नंबर x था प्लस कुछ x प्लस ही नंबर x नंबर रहा होगा, उस नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है, मतलब क्या उस नंबर का बाइनरी चेंज हुआ होगा, बाइनरी के बाद आपने वंस लिया होगा, वंस के बाद आपने टूस लिया होगा, तो टूस लेने के बाद जो नंबर आया होगा वो नंबर लिखा है आपने 110010। तो ये जो नंबर आपने लिखा है टूस कॉम्प्लीमेंट, वो इसका माइनस फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। वो जो नंबर है जो आपने टू फॉर्म लिया है, ये इस नंबर का माइनस फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई नहीं रही, क्वेश्चन क्या था कि किसी एक नंबर को मान लो प्लस एक्स है, उसका टू कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो हमने उसका टू कॉम्प्लीमेंट लिख के लिख लिया, पहले बाइनरी रहा होगा फिर टू कॉम्प्लीमेंट रहा होगा, तो बताओ ओरिजिन नंबर क्या है, तो मतलब जो उसका टू कॉम्प्लीमेंट है माइनस नंबर दिखा रहा है, हमें ओरिजिन नंबर पता करना है कि ओरिजिन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या इस नंबर का टू कॉम्प्लीमेंट गिवन है, अगर हम इस टू कॉम्प्लीमेंट से ओरिजिनल नंबर निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हमें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिखा है, टूस कॉम्प्लीमेंट से हमें जाना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो देखते हैं, देखो यहां देखते हैं व्हाट इज टूस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट से वंस कॉम्प्लीमेंट, अच्छा वंस कॉम्प्लीमेंट से टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन होता है ना, तो अगर मैं मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट गिना है और टूस निकाल तो कैसे निकालूंगे, अगर मुझे टूस गिवन है वंस निकाल तो कैसे निकालूंगा, इसको आप यहां ले आओ, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, टूस कॉम्प्लीमेंट माइनस वन। अगर मैं टूस कॉम्प्लीमेंट से वन को माइनस कर लूं तो मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, तो काम करते हैं इससे वन माइनस कर लेते हैं, तो वन माइनस कर लो, 110010 में से वन माइनस कर लेते हैं, माइनस वन ये छोटा है, यहां ले आओ कितना हो गया 10, मतलब 10 माइनस 1 1 हो गया, यहां बच गया 0, कुछ नहीं है, 0011 हो गया, तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, कितना हो गया 110001 हो गया, तो ये आपको मिल गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, अभी भी बाइनरी फॉर्म लेके आना है, वंस कॉम्प्लीमेंट से हम नॉर्मल करना बाइनरी, तो इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिन नंबर मिल जाएगा हमें, तो इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट और ले लेते हैं, इसको उल्टा कर लो, 00110 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिन नंबर मिल जाएगा, तो वंस का वंस ओरिजिन नंबर आपको मिल जाएगा, तो मैं इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे मिल गया। अभी नंबर आया मेरे पास, इस नंबर का मैं निकाल लेता हूं क्या नंबर क्या डिजिट होगा, देखो इस यानी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 00, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, इसका आंसर कितना, इसका आंसर आ गया हमारा प्लस 14, तो जो ये है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा माइनस ऑफ 14। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है ना, हमें माइनस टूस कॉम्प्लीमेंट में गिवन था, मैंने टूस से पहले मैं वंस में आया माइनस वन करके, फिर वन से ऑरिजिनल बाइनरी पाई, फिर उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि ये नंबर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे माइनस 14, अगर आपसे पूछता है कि ओरिजिनल नंबर निकालो तो वो आपका प्लस 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं बाकी जो और कॉम्प्लीमेंट है, जैसे हमने पढ़ा था 8's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, तो उसको हम क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबके एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूं, पहले देखते हैं 8's कॉम्प्लीमेंट का, मान मेरे पास नंबर है 256 है, बेस 8 है, तो बेस 8 है तो उसके दो कॉम्प्लीमेंट निकल सकते हैं, एक निकलेगा 7th वाला और एक निकलेगा 8th वाला कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक निकलेगा 7th कॉम्प्लीमेंट, एक निकलेगा 8th कॉम्प्लीमेंट, तो पहले इसका हम निकालते हैं 7th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट मतलब R-1 कॉम्प्लीमेंट, R-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको हाईएस्ट नंबर से उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हाईएस्ट नंबर क्या होता है 8, उस मामले में 7 होता है, तो 7 से को माइनस कर लो, 7 माइनस क्या 256, तो 7 माइनस 6 1 हो गया, ये माइनस कितना हो गया 2, ये माइनस कितना हो गया 5, तो कितना आंसर आ गया आपका, 7th कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 521 आ गया, तो 7th कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया 521 हो गया। अब क्या निकालना, 8th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 7th कॉम्प्लीमेंट्स प्लस 1, तो 521 प्लस 1 कितना आ जाएगा 522, तो इसका 8th कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ये हो गया,
और सेवन कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया उसका, ये हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, उसको आप कर सकते हो। अच्छा अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेस वाले का, टेन डेसिमल वाले का, डेसिमल सॉरी डेसिमल वाले का। हाँ मेरे पास क्वेश्चन है 9215 बेस 10 है, इसका निकालना है, इसका हम निकाल रहे हैं तो उसका निकलेगा 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट। पहले 9th निकाल लेते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होता है 10th कॉम्प्लीमेंट, उसमें 10 बेस में, ये डेसिमल में 9th होता है, सो कर लो 9999 कितना गया 9215। ये अब ये हमें नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करेंगे स्मैश कर लेंगे, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 7, ये हो गया 0, तो कितना आ गया 780 हो रहा है। अब 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या करोगे 9th में ऐड कर लोगे 9th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें ऐड कर लो 1 कितना हो गया 785 हो गया 0785, ये हो गया इसका 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया 9th कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया हमारा 10th कॉम्प्लीमेंट। अब लास्ट है बेस 16 वाला, एफ कॉम्प्लीमेंट वाला, सो देख लेते हैं मैं रख पा रहा हूँ उसको। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स नंबर क्वेश्चन है 2AB5 बेस 16, इसका निकालना है एफएस कॉम्प्लीमेंट, इसका निकालना है आपको एफएस कॉम्प्लीमेंट, एफएस कॉम्प्लीमेंट 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे एफएस कॉम्प्लीमेंट मतलब आर माइनस वन, आर माइनस वन तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो कौन सा होता है 16 बेस में एफ होता है, तो सबको एफ से माइनस कर लो, तो एफ एस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा देखो, सबको माइनस कर लो एफ से, एफ 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 2AB5, F जनरली कितना होता है, F होता है हमारा 15 होता है ना, 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, 10 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम A, तो ये A आ गया 15 हो गया। अच्छा B, B इज हाउ मच, B कितना होता है, B होता है हमारा 11, कितना हो गया 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर F माइनस A, F 15 हो गया, A कितना होता है 10 होता है, तो 10 माइनस 15 कितना हो गया 5 हो गया, और F माइनस 2, F हो गया 15, 15 में से आप 2 माइनस कर लो कितना हो गया 13, 13 कितना होता है D, C, C हो जाता है हमारा ना, ठीक है कितना हो गया हमारा है C हो गया, नहीं ये हो गया हमारा D हो गया, कितना हो गया D हो गया, तो हमारा एफ एस कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया इसका D5A, एफ एस कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया D5 4A, D5 4 है, सबको एफ एफ से माइनस कर लो, सबके आपको वैल्यू पता है F15 होता है और बी हमारा 11 होता है, ए हमारा 10 होता है, आप माइनस कर लो, फिर डेसिमल में माइनस करो और हेक्सा में देख लो हम उसको क्या देखते हैं, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इतना आ गया, ये हो गया एफ एस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड 16th कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली हाउ मच, इट इज एफ एस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, प्लस एड कर लो कितना जाएगा, प्लस कर लोगे D5 4A, A में प्लस एड कर लो कितना हो जाएगा B हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा 16th कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हम 16th कॉम्प्लीमेंट और FS कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो माइनस फॉर्म वाला है जो मैंने आपको 2's कॉम्प्लीमेंट बताया वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है, आप सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही, आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।